रीवा जिले के विकास में गत दिवस एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु आइए रीवा कार्यशाला में निवेशकों ने रुचि दिखाई तथा लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अपनी सहमति दी। जिले में फूड पार्क, इथेनॉल संयंत्र, पफन ग्लास तथा फ्लोर मिल सहित पर्यटन के क्षेत्र में फिल्म शूटिंग स्टूडियो, रिसोर्ट व टूरिंग स्पॉट स्थापना पर सहमति दी। जिला व्यापार केंद्र, जिला पुरातत्व विकास परिषद एवं IIA प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि तेजी से बढ़ते हुए संसाधनों से भरपूर रीवा जिले में उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। खेती, उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में रीवा अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ निवेश करने की सभी अनुकूल संभावनाएं हैं, अतः आर्थिक समृद्धि के लिए रीवा में निवेश करें। निवेशकों को हर संभव मदद व सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार विजन और मिशन के साथ कार्य किए जा रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेशकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिले में अच्छी गुणवत्ता के अधोसंरचना व संसाधन की उपलब्धता है। जिला शांति प्रिय व उद्योग के अनुकूल संभावनाओं से समृद्ध है, अतः निवेश के लिए आगे आए। उन्होंने उद्यमियों को प्रशासन व विभागों की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि घूमा कटरा का औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज से बहुत नजदीक है, जहां अधोसंरचना विकास के कार्य व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जिले के गुढ़, मऊगंज, हनुमना क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना की अनुकूल संभावनाएं हैं। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, पर्यटन क्षेत्रों, कृषि आदि से समृद्ध जिले में निवेशकों को निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी होने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि रीवा जिला शांति प्रिय जिला है। पुलिस का आम जन, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ मित्रवत व्यवहार है तथा वह बेहिचक अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा तेजी से विकसित होता हुआ जिला है, जहां उद्यमियों व अन्य सभी नागरिकों की पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी है। अतः बेहिचक यहाँ निवेश करें और अपनी तथा रीवा जिले की समृद्धि में भागीदार बने। आइए प्रयागराज के मंडल अध्यक्ष उद्योगपति आशीष केसरवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रयागराज के लोग रीवा जिले से पूर्व से परिचित हैं। उनको मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं व अनुकूलताओं का भान है, अतः वहां निवेश के अच्छे अवसर हैं। श्री केसरवानी ने रीवा जिले के लोगों के स्नेह एवं मित्रवत व्यवहार की भी चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि प्रयागराज के अधिक से अधिक उद्यमी जिले के धुआं कटरा सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में भी निवेश हेतु आगे आएंगे। इससे पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र UB तिवारी ने कार्यशाला के उद्देश्य व रीवा जिले में उद्यम स्थापना हेतु अनुकूलतम व सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्रोथ रेट में रीवा के बढ़ते ग्रोथ रेट, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के बारे में भी बताया तथा आर्थिक समृद्धि के लिए रीवा जिले में निवेश का आह्वान किया। कार्यशाला में प्रयागराज स्थित स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने बैंक की ओर से निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया तथा बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत जैन में MSME सहित अन्य योजनाओं में निवेशकों की सुविधाओं, कार्य पद्धति व योजना से जुड़ी अन्य जानकारी दी तथा मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में बताया। इस दौरान अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल IK त्रिपाठी ने जिले में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता व सस्ते टैरिफ प्लान से निवेशकों को अवगत कराया। जिला ई गवर्नेंस मैनेजर आशीष दुबे ने रीवा जिले के पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा प्राचीन धरोहरों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर प्रकाश डाला तथा निवेशकों को हॉस्पिटैलिटी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों से अवगत कराया। कार्यशाला का संचालन प्रोफेसर संदीप पांडे, इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा ने किया। रामलखन गुप्ता के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान उद्यमियों की शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर MSME केंद्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर विभा मिश्रा, अनूप जोहरी सहित बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज व आसपास के जिलों के उद्यमी उपस्थित रहे। हमारा नाम शोभित केसरवानी है। मेरे पास इलाहाबाद में फ्लोर मिल और राइस फ्लोर मिल है और मैं वहाँ पर राइस मिल और फ्लोर मिल दोनों चीज़ डालने का एक कॉन्सेप्ट ले आना चाह रहा हूँ रीवा में, और जो कि हमारा कटरा में है, ये अपना नया उद्योग बनने का आया हुआ है।
और मैं पार्ले और आईटीसी से भी बातचीत करता हूँ कि जैसे कि इधर से हम गेहूं डालें और उधर सीधा का सीधा बिस्किट प्रोडक्ट निकले, तो मेरी इस तरह की प्लानिंग है वहाँ पर। और वो देखिए कितनी जल्दी और कितना हम लोग सक्षम कर सकते हैं उस चीज़ को लाने में, क्योंकि मेरी मैंने एक बार पार्ले और आईटीसी को दोनों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेज चुका है, तो उनका भी ये है कि जब तक आप पूरा कॉस्टिंग निकाल लो, सब चीज़ें निकाल लो, मेरा सब कुछ निकाला हुआ है। और उसके लिए ज़मीन को लेके कि मेरे को मोटा मोटा 10 एकड़ से 12 एकड़ मेरे को ज़मीन चाहिए, और उसका आपका टोटल कॉस्ट आ रहा था जो कि 45 CR के आसपास। तो इनमें ये चीज़ था मेरा, और अभी अब तो सुनने में आ रहा है कि अलॉटमेंट भी ज़मीन की शुरू हो गई है, तो जितनी जल्दी शुरू हो जाएगी हम लोग उतनी जल्दी काम करने में शुरू कर देंगे। मैं हमारे कज़िन हैं, इनको भी हम लेके आ रहे हैं, जो कि इलाहाबाद में इनका भी राइस मिल है। हाँ, ये आशी विकास जी हैं। मेरा नाम विकास केसरवानी है और मैं भी रीवा में ही नए प्लांट लगाने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, और वहाँ पे ज़मीन को लेके और आपके रीवा प्रशासन से जो सहयोग मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, उस हिसाब से हम भी वहाँ पे राइस मिल लगाना चाह रहे हैं। आज जैसा कि हम लोगों ने प्रयागराज में आकर यहाँ के व्यापारी बंधु और विभिन्न उद्यमियों से चर्चा की है और उनको रीवा की संभावनाओं से अवगत कराया है, साथ ही उनको आश्वस्त किया है कि उन्हें वहाँ पर एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा और अपराधों से नियंत्रण वर्तमान में सरकार से चल रहा है ये कंटिन्यूस रहेगा, और हम लगातार उनके साथ संपर्क संवाद करेंगे और उनकी सभी समस्याओं को प्रायोरिटी पे हल करने का प्रयास करेंगे। और इस आश्वासन के साथ उन लोगों ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि वो लोग रीवा का विजिट करेंगे और वहाँ अनुभव को तलाश के अपनी की जो भी उनकी नई प्लानिंग है उसको वापस करने की। रीवा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, मध्य प्रदेश की जो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री की पॉलिसी है उसके बारे में आज प्रयागराज में ये कार्यशाला आयोजित की गई और काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि आइए रीवा, और रीवा एक बेहतर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और बहुत ही अच्छी टूरिस्ट साइट्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए, और काफ़ी अच्छा लोगों का इसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत ही सुखद परिणाम निकलेंगे।